सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। रविवार को WWE बैटल ग्राउंड का मुख्य आकर्षण दो भारतीय जिंदर महाल और महान खली रहे। इस पंजाबी प्रिजन मैच में द ग्रेट खली की मदद से महाल ने रैंडी ऑर्टन को मात दी। इसके साथ ही जिंदर महाल ने WWE चैंपियनशिप का टाइटल बरकरार रखा। हालांकि खली अब WWE का हिस्सा नहीं है, लेकिन बैटल ग्राउंड में उनकी एंट्री ने धमाका कर दिया। मैच में खली की एंट्री ऐसे वक्त हुई जब रैंडी ऑर्टन ने बांस के बने केज से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। 7 फुट 1 इंच के विशाल खली ने पूरे केज को अपने खुले हाथों से हिलाकर रख दिया, जिससे ऑर्टन नीचे आ गिरे। इसके बाद खली ने उनके हाथों को मरोड़ा और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया। जिंदर महल और खली ने इस जीत के बाद किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझा और स्मैकडाउन के सुपरस्टार एजे स्टाइल्स और जॉन सीना से खुद को बेहतर स्टार बता दिया। दरअसल पंजाबी प्रिजन मैच जीतने के लिए सुपरस्टार को दोनों केज से बाहर आना पड़ता है। इस केज में 4 दरवाजे होते हैं और रेफरी भी। जब सुपरस्टार दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। इतने समय में बाहर नहीं आ पाने पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इतने समय में सुपरस्टार को बाहर ही आना होता है। पिनफॉल या काउंट आउट इस मैच में कोई अहमियत नहीं रखता। सबसे पहला पंजाबी प्रिजन मैच 2006 में ग्रेट अमेरिकन बैश में बिग शो और द अंडरटेकर के बीच बीच हुआ था। हालांकि जिंदर महल का कहना है कि ये मैच खली का बनाया हुआ है, लेकिन उस समय खली इसमें मौजूद नहीं थे। सबसे पहला पंजाबी प्रिजन मैच 2007 की न्यू मसी में खेला गया था, जिसमें खली का सामना बतिस्ता से हुआ था। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।